सोलन में कोरोना काल में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का कार्य पहले की तरह जारी था, लेकिन ड्राइविंग टेस्ट देने बहुत ज्यादा लोग पहुंच रहे थे, जिसके चलते कोरोना नियमों का अनुसरण नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ज्यादा अभ्यर्थी होने पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती थी। यहां तक कि टेस्ट देने आए अभ्यर्थी मास्क डालना भी अपनी शान के खिलाफ मानते थे। यही वजह रही कि ड्राइविंग टेस्ट हमेशा सुर्खियों में बना रहता और आम जनता ने इस टेस्ट पर कई सवाल भी उठाए। अब आरटीओ सोलन सुरेश कुमार सिंघा ने साफ कर दिया है कि जो भी व्यक्ति टेस्ट देने आएगा तो उसे सभी नियमों का अनुसरण करना पड़ेगा। अधिक जानकारी देते हुए सुरेश कुमार सिंघा ने बताया कि ड्राइविंग टेस्ट 13 अक्टूबर को बसाल में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इस बार सभी कोविड नियमों की सख्ती से पालन करें, मास्क लगाकर आएं और मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाएं, अन्यथा उन पर संबंधित विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आजकल कोरोना बेहद तेजी से फैल रहा है, इसलिए विभाग पहले से ज्यादा सतर्क हो गया है और वह नहीं चाहता कि कुछ लापरवाह लोगों के कारण और लोगों के स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़े। महीने अक्टूबर में जो है वो 12 तारीख को जो है वो गाड़ियों की पासिंग है, पूरे दिन है। उसके बाद 13 तारीख को जो है वो ड्राइविंग टेस्ट है, पूरे दिन है। उसके बाद 14 को फर्स्ट हाफ में ड्राइविंग टेस्ट है और सेकंड हाफ में जो है वो गाड़ियों की पासिंग की जाएगी। तो इसमें ये रहता है कि हम लोगों से खासतौर से ड्राइविंग टेस्ट के दौरान अपील करेंगे कि जो भी लोग आएँ वो प्रॉपर अपना मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना का टाइम है तो कोई ऐसी घटना ना हो कि जिससे संक्रमण का जो है वो फैलने की आशंका और बढ़े। तो हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि वो जब भी इसमें ड्राइविंग टेस्ट में आएँ तो वो प्रॉपर जो प्रोटोकॉल है कोविड का उसको फॉलो करें, मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और प्रशासन को सहयोग दें।